हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो आज हमारे घर मतलब सिंधारा जाता है हमारे यहाँ 30 से पहले, तो मेरी मम्मी बुआ को सिंधारा दे रही है और हमारी बहन के घर भी जाएगा। तो चलो मैं दिखाती हूँ मम्मी ने क्या दिया है बुआ को। कोई नहीं, तो बुआ ने देखो मम्मी ने बुआ को चूड़ी दी है, मेहंदी की कीप और पैसे दिए और घेवर दिया नहीं। घेवर बुआ खाती नहीं है, चीनी खिला दे। हाँ, बुआ को शुगर है ना थोड़ी, तो बुआ खाती नहीं है, चीनी खा ले। अब बुआ मेहंदी लगाएगी तीज पर, तो ये ब्लॉग मेरा तीज पर आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से। इधर ये मम्मी बैठी हैं, इधर ये बैठी हैं। तो तीज पर हमारा लुक देखना। हम तीज पर पहने कपड़े पहनेंगे। मम्मी है, बुआ। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग अब मैं थोड़ा सा यहीं खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको तीज पर, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, तो कल है तीज और आज आई हूँ मैं अपने बहन के घर। हम अपनी बुआ के घर आए थे, तो सोचा कि अपनी बहन के घर भी चलते हैं क्योंकि आज ये जाएंगे, भाई लेने आए हैं इसे। देखिए रे भाई, और हम दोनों गए थे बुआ के घर, तो सोचा कि हम भी साथ इनके साथ चलेंगे क्योंकि बुआ का घर और मेरी बहन का घर आस पास में है। तो अब हम एल्बम देख रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे शाम को और कल तीज रहेगी। तो इसी ब्लॉग में तीज आपको तीज दिखाई जाएगी। और देखिए अब शादी की एल्बम दिखाई जा रही है। चलो आपको कुछ क्लिप दिखा देती हूँ मैं अपनी बहन की फ़ोटो की। तो देखिए दोस्तों, मेरी बहन की मैरिज कैसी लग रही है मेरी बहन, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है और ये मेरी मौसी की लड़की है। ये मेरा भाई, ये मेरे मौसी के लड़के का भाई हैं। ये सॉरी मौसी के लड़के हैं ये। और यहाँ हम रिबन कटवा रहे थे। दोस्तों हम आए हैं दीदी की छत पर, मतलब मौसी जी की छत पर आए हैं। और देख सकते हो आप मौसम कैसा हो रहा है। और चलो सबसे ऊपर चलते हैं। और फाइनली मुझे ना यहाँ रील्स बनानी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था जिन्हें मिले, और फाइनली मुझे मिल चुकी है। अब देखो मैं दो वीडियो यहाँ बनाती हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ नुमाइश लग रही है, यहाँ से आपको नुमाइश दिख सकती है। तो फ़ायदा यह है यहाँ से ही नुमाइश देखें। और यह है नेहरू स्टेडियम बिजनौर का, और मौसम आप देख सकते हैं। और ये देखिए अब देखिए हम इनका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको, इनका न्यू सूट। आप कमेंट में कैसी लग रही हैं बताना, ये कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों आज है तीज, आप सभी को हैप्पी तीज। और 3 दिन से मेरा कंटिन्यू ब्लॉग चल ही रहा है, आपको पता ही है। मैंने सबसे पहले बनाया था, जब हमारे यहाँ सिंधारा जाता है तो बुआ को सिंधारा दिया था मम्मी ने। उसके बाद हम दीदी के घर गए थे दीदी को लेने, आपने देखा ही है। तो आज है तीज, तो 3 दिन से मैं कंटिन्यू ब्लॉग बना रही हूँ और काफ़ी थक चुकी हूँ। सफ़र 3 दिन से सफ़र कर बहुत ही बुरी हालत है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल सब ने मेहंदी लगवाई, फिर आकर हम दीदी के घर से आए तो मेहंदी लगाई, और देखना मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है। मैंने तो बिल्कुल नहीं लगाई, दीदी के लगाई थी बस। और फिर मैं सो गई दवाई खाकर, और फाइनली अब उठी हूँ, नहाई हूँ, खाना बना लिया है। तो आपको दिखाती हूँ, चलो खाना, फिर दिखाती हूँ सबकी मेहंदी, किस तरह सबने मेहंदी लगाई है। और कमेंट में बताना मैं कैसे लग रही हूँ। आज मैंने थोड़ा सा ही ग्रीन है, सोचा हरियाली तीज है तो तीज का फ़ायदा उठाए और ग्रीन सूट पहनते हैं। और आज का मौसम भी आप देखोगे ना तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, एकदम हरा भरा बारिश जैसा माहौल हो रहा है। पता नहीं तीज बनेगी या नहीं बनेगी। हर साल ऐसे होता है कि तीज पर बारिश ज़रूर पड़ती है हमारे यहाँ, पता है। वैसे पड़ती है, शायद पड़ती है नहीं पड़ती है, आप कमेंट में बताना पड़ती है नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ हर साल तीज पर बारिश पड़ती है। और देखो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, और जो आप देख रहे हैं ना किला, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये सुल्तान डाकू का किला, यहाँ पर तीज बनाई जाती है। अगर यहाँ नहीं बनाई जाएगी तो धर्मशाला में बनाई जाएगी। देखो आपको जो वो मंदिर दिख रहा होगा छोटा सा, वहाँ पर तीज बनाई जाती है। अगर वहाँ किले में पानी भर जाएगा तो फिर यहाँ जाते हैं। और जैसा भी होगा, जहाँ भी तीज बनाई जाएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, कहीं भी जाए। वैसे हम तो जाते नहीं हैं तीज पर, घर पर ही झूला झूल लेते हैं नॉर्मली। और अगर पॉसिबल हो जाना तो ज़रूर दिखाऊंगी, या औरतें जब जाती हैं हमारे यहाँ सड़क पर, सबको घर घर जाती हैं बुलाने, तो मैं तब वो थोड़ी सी दिखा सकती हूँ, दिखाऊंगी ज़रूर। और देखना मेरे पेड़ कितने अच्छे हो रहे हैं बारिश में।
हरियाली तीज तभी अच्छी लगती है। देखो इसका नाम तीज इसलिए ही है हरियाली तीज, क्योंकि इस सीजन में हरियाली हरियाली रहती है क्योंकि बारिश आती है। और देखना पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं सारे। और मिर्ची आ रही है देखो दोस्तों, मिर्ची आने स्टार्ट हो गई है। और इसे ना वो कहते हैं लॉन्ग मिर्ची या गोल मिर्ची, पता नहीं कौन सी मिर्ची कहते हैं, आप कमेंट में बताना। और ये ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगता है। मैं अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देती हूँ जो मतलब ऐसी कोई गलती नहीं, मतलब बोलने में अगर आपको लगता हो कि मैं बोलने में कुछ गलत करती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपने ये गलत बोला है। अच्छा लगता है आप कुछ बताओगे, मुझे सीखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर बताया करें कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, क्या सही नहीं बोल रही हूँ। और अगर आपको गार्डन के ब्लॉग देखने हैं तो आप ज़रूर बताना। तो चलो दोस्त नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बुआ क्या कर रही है, मम्मी क्या कर रही है। और देखिए ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों दीदी खाना स्टार्ट कर दिया है, दीदी ने खाना और इतनी सारी पूरी ये खुद खाएंगी। और हमारा प्रिंसी बैठा है, भाई काम कर रहा है अभी। तो फ्रेंड देखिए आज मेरे घर बनी है खीर, पनीर की सब्जी, और सबने खा लिया है खाना। और देखिए फ्रेंड मट्ठा भी है जिसे आप छाछ बोल सकते हो। और देखो मम्मी बता रही है चावल, मम्मी पानी कर रही हैं, पूरी मम्मी बता रही हैं। और हमारा प्रिंसी देखो सो रहा है, और हमारी बहन सो गई है खाकर, हमारी खाना खा रही हैं। बुआ ने मेहंदी भी लगा ली है, देखो बुआ की मेहंदी। तो दोस्तों अगर जिससे मेहंदी नहीं लगे तो दोनों हाथों पर लगाएं और हाथ मल दें, और कमेंट में बताना बुआ की मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर। तो अब दीदी की मेहंदी दिखाती हूँ, दिखाइए आप अपनी मेहंदी। ये दीदी की मेहंदी है और ये सो रही हैं, थक गई हैं। मैंने तो फ्रेंड मेहंदी लगाई नहीं, मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी जब अब सब औरतें जाएंगी, तो फ्रेंड थोड़ा आराम कर लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ, काफ़ी थक चुकी हूँ। और मिलती हूँ आपको बाद में, तब बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो तब तक के लिए दोस्त बाय। फ्रेंड मम्मी जा रही है, मम्मी की आज मम्मी को देखिए आप, फर्स्ट टाइम हमारी मम्मी ने साड़ी पहनी है आज। मम्मी जा रही है तीज बनाने और अपनी नणंद जी के साथ। ये हमारी बुआ सब ग्रीन ग्रीन कलर की साड़ी में जा रहे हैं, और आस पड़ोस से औरतें जाएंगी तो अभी दिखाती हूँ। और देखो दोस्तों मैं नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ जाना, तो सॉरी उसके लिए मैं दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन जो आते जाते औरतें रहेंगी मैं आपको वही दिखाऊँगी, और बुआ बताएंगी फिर आकर कि क्या हुआ था वहाँ। तो बुआ बताएंगे आपको सब कि वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बुआ आप सब देख कर आना, सब बताना। ये भी नहीं जा रही है तीज बनाने, तो ये अपनी शादी के बाद जाएंगी। अपने पति के साथ जाओगे अकेली? नहीं आप अपने पति के साथ जाएंगी, देखते हैं। ये भी अकेली ही नहीं जा रही है, हमारे घर में कोई नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रही हूँ। तो चलो ये एंजॉय कर रही हूँ। मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगाई, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मेहंदी नहीं लगाई। बाय टाटा। तो दोस्तों देख रहे हो कुछ झलक आपको दिखा देती हूँ, लड़कियों के लिए तैयार होकर जा रही हैं। मुझे तो मैं जाती नहीं, जब हम छोटी थी मैं भी ऐसी जाती थी। और इनका देखिए लहंगे में आती हुई अपने, क्या हीरोइन बननी है ये, गायब हो चुकी है बीच में। ये जा रही हैं तीज मनाने, मेहंदी दिखाओगी अपनी? तो फ्रेंड को मैं बताना ये कैसी लग रही हैं। बच्चे तैयार होकर ये आ गई हैं, मम्मी की फ्रेंड साड़ी पहनकर मम्मी की दोस्त है और देखिए दोस्तों अब जा रही हैं सब औरतें, आपको दिख रही होंगी ये औरतें जा रही हैं, और धर्मशाला में शायद या किले में जाएंगी, पता नहीं कहाँ जाएंगी दोस्तों। ये सब का है, जब भी आ जाएंगे तो अब देखते हैं क्या हुआ था वहाँ। तो तब तक के लिए मैं पीछे चलती हूँ, सोना है नहीं जा रही है, तो सब सो लेती हूँ, काफ़ी वीडियो बनाई आज, चलो चलते हैं। फ्रेंड देखिए 6 बजने वाले हैं और अब आ रही हैं सब औरतें, चलो मैं आपको जल्दी दिखाती हूँ छत पर चलकर।
जल्दी चलते हैं, मैं तो गई नहीं लेकिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। फ्रेंड जब तक मैं आई सब जा चुकी, लेट हो गई मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं सो गई थी चुकी हैं। कैसा लगा था? अच्छा लगा। देखो गए थे हम, पहले बचपन में काफ़ी जाते थे लेकिन अब नहीं जाते। और हमारा प्रिंस मम्मी को देख रहा है, मेरी मम्मी कभी कभी साड़ी पहनती है ना, मम्मी साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता, आप कमेंट में बताना मम्मी मेरी साड़ी में कैसी लग रही है। मम्मी साड़ी नहीं पहनती और मम्मी की सारी साड़ी मैं पहनती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो कोई नहीं मेरे काम आ रही हैं। और फ्रेंड अगर तीज पर घेवर नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, तो चलो आपको घेवर खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। फ्रेंड घेवर आप भी खा लीजिए और चलो सबको थोड़ा थोड़ा खुला देते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं आप लड्डू गोपाल को देने, आपको दिखाते हैं दीदी। हमने मेरी वीडियो में आपने देखा होगा दीदी ने लड्डू गोपाल लिए हैं, तो चलो उन्हें रखते हैं पहले। फ्रेंड इन्हें खिला देते हैं, लो गोपाल जी खाओ। और सभी की तीज अच्छी जाए और आप सब अपनी मन्नत मांग ले भगवान जी से, लड्डू गोपाल जी से। तो अब चलो मैं भी खा लेती हूँ और कमेंट में बताना आप सबकी तीज कैसी गई है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं ये ख़त्म करती हूँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और मम्मी मम्मी गई थी तो वीडियो नहीं बना पाई मैं, जितना हो सका मैं दिखाया है मैंने आपको। तो बाय फ्रेंड, गुड नाइट। और देखिए मेरा भाई भी औरतों को देखने के लिए खड़ा है, सभी को नई नई औरतें साड़ी पहन कर निकल रही हैं, कैसा लग रहा है देख कर? पसंद आया।